देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है, 15 जनवरी है और 15 जनवरी का बीते लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। वजह ये थी कि मायावती आज साफ कर देंगी कि वह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी या फिर नहीं, और आज आखिरकार मायावती ने साफ कर दिया है कि ना तो वह इंडिया की तरफ जाएंगी और ना ही एनडीए की तरफ। जी हाँ, अब ऐसे में मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी है। मायावती ने साफ तौर पर यहां पर निशाना साध दिया, तंज कस दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरह से गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदल दिया, क्योंकि अखिलेश यादव के सुर बार बार बदलते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है और दूसरी ही तरफ मायावती ने कांग्रेस खेमे को लेकर भी अपनी बात रखी। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की यहां पर रणनीतियां ये थी कि मायावती को गठबंधन में लाया जाए जिससे कि दलित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को संभाला जाए और लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को हर तरफ से चुनौती दी जाए। ऐसे में मायावती ने अब यहां पर सभी की उम्मीदों को तोड़ दिया है। यहां पर कई नेताओं की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि मायावती को इस गठबंधन में लाइए, माफी मांगिए और उन्हें पीएम उम्मीदवारी के तौर पर आगे कर दीजिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मायावती ने किस तरह से अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात रखी, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय में काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी, जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसे में फिर इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते इनका सही से पूरा विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि देश में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो उनका भी अब इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा अन्य और मामलों में भी इनकी लगभग यही खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर वे किस्म किस्म के साम, दाम, दंड, भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी
पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और देखा आपने किस तरह से मायावती यहाँ पर अपनी बात रखी, ऐसे में अब यही देखना होगा कि अब कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से कोशिश की जाएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।